में मैंने सीवर का पूरा काम कराया, सारी सड़कें बनाई, पानी की लाइन डाली, यहाँ पर जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं, स्ट्रीट लाइट है या गेट का काम है, वो सारा हमने किया। एक यहाँ पानी, जल बोर्ड के पानी की यहाँ बड़ी डिमांड है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ जितने हमने बोर किए हैं, बोर मैंने बहुत बोर किए हैं, यहाँ 30-35 बोर मैंने यहाँ किए हैं, तो वो कम हैं। तो अब मैं एक लाइन डाल रहा हूँ जो इंशाल्लाह दिसंबर के आखिर में दिल्ली जल बोर्ड का ओखला बिहार के अंदर पानी आ जाएगा, ये बिल्कुल मैं वादा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विधायक हूँ और मैं वादा कर रहा हूँ कि ओखला बिहार में, मैं यहाँ से, क्योंकि एस्कॉर्ट के सामने सुखदेव बिहार से लाइन आ रही है, वहाँ काम चल भी रहा है, तो वो जो पीछे लगा हुआ था दिल्ली सरकार की तरफ से या जो एनजीटी का जो ऑब्जेक्शन था, उसकी वजह से काम वो रुक गया था। नहीं तो हमारा था कि इलेक्शन अनाउंस होने से पहले पानी दे दें, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन के बाद दिसंबर आखिर तक हम यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का पानी हम दे देंगे। और ये पूरा इलाका, लोगों से मैं मिल रहा हूँ, तो यहाँ सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ लोग हैं। कुछ थोड़ा बहुत नाराज़गियाँ वक्ती तौर पर थी, लेकिन उसको हम ख़त्म कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, वो हमें वोट दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह विधायक जी के साथ पूरी सपोर्ट है, और क्योंकि उन्होंने काम काफ़ी किए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से, मतलब कि हमारी कॉलोनी को जो है बाखूबी जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे काम के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और इंशाल्लाह पानी का इन्होंने वादा किया है, अल्लाह ने चाहा तो ये अपने वादे पे पूरा उतरेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कोई अड़चन ना आए तो पूरा काम होएगा। और पूरी आवाम इनके साथ है, तन मन धन से साथ है, इंशाल्लाह वोट सपोर्ट पूरी तरह से इनके साथ रहेगा। ओखला बिहार विधायक जी के साथ रहेगा, वाजिद भाई के साथ रहेगा, इंशाल्लाह जो है वो जीत हमारी होगी, आम आदमी पार्टी की जीत होगी इंशाल्लाह। ये कहना चाहेंगे कि पिछले कई इलेक्शन से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, और हर इलेक्शन में कुछ चीज़ों के वादे होते हैं, पूरा नहीं होता है, कुछ हुए काम हुए, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हुए, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी कुछ काम होना बाकी है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है जो जल बोर्ड के पानी की सप्लाई का, और पिछले 2 साल पहले भी हमसे वादा यही था कि भाई दिसंबर में चालू कर देंगे, और आज भी दिसंबर की यही वादा है। दूसरे गेट वगैरह लगने का जो काम है, ये सारा काम रुका हुआ, जो बचा कोई वह काम है फिर इसका, जो गलियों का और रोड का, वो जल्द से जल्द फिनिश हो, बेहतर लोगों की ये मांग है। बाकी जो लोग हैं जुड़े हुए वो तो है ही हैं, सब दे ही दे कर रहे हैं, सपोर्ट में हैं, सभी लोग वादा कर रहे हैं, आप लोग, हम लोग, देखिए हम लोगों की कोशिश है, बाकी ये इलेक्शन है, इलेक्शन अपनी जगह अपना मामला होता ही है, इलेक्शन के अंदर हर किसी की अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी च्वाइस होती है भाई, ठीक है चलो अगर कुछ कमियाँ हैं तो उसे दूर करने के लिए मौका दिया जाए और टाइम दिया जाए। नाराजगी है हमारे ऑफिस में, हो सकती है, हम करेंगे रहेंगे, लेकिन खड़े वहीं रहेंगे जहाँ खड़े हैं। देखिए कई तरह की शिकायतें भी कर रहे हैं लोग, नहीं नहीं देखिए जो भी शिकायत है उन्हें दूर करेंगे इंशाल्लाह, और काम किया है यहाँ पे, पानी की लाइन डाली है, पानी भी जल्दी, विधायक जी ने वादे किया पानी जल्दी आ जाए, क्योंकि पानी की लाइन मुकम्मल हो गई है, सीवर लाइन डल चुकी है, रोड बन गए हैं, रोडों का काम हो गया है, और कुछ गलियां बची हुई हैं वो शिकायत है, लेकिन उसे इंशाल्लाह जल्द पूरा कर दिया जाएगा। ओखला की जनता, ओखला की आवाम हमारे साथ है, और ओखला की, ये ओखला बिहार की ये तीनों चारों चुनाव में 70% आम आदमी पार्टी को वोट दिया है ओखला बिहार का, बिल्कुल मोहन इंशाल्लाह एक तरफ है, 70 से 75% ओखला बिहार में आम आदमी पार्टी को।